दिल्ली क्राइम से आर्या तक ओटीटी पर दिखे महिलाओं पर केंद्रित शानदार वेब सीरीज। दिल्ली में हुए निर्भय दुष्कर्म मामले पर बनी वेब सीरीज दिल्ली क्राइम इस सूची में पहले स्थान पर है। इस सीरीज को 2020 में एमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इस सीरीज में शेफाली शाह ने दिल्ली की डीएसपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया था, जो इस मामले को सुलझाती हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वर्तिका अपनी निजी जिंदगी और नौकरी के साथ तालमेल बैठाती हैं। साक्षी तनवर अभिनीत माई भी एक शानदार वेब सीरीज है। यह एक माँ की कहानी है जो अपने बेटी को सड़क दुर्घटना में खो देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हादसा नहीं था। ऐसे में वो अब बेटी की मौत की गुत्थी सुलझाने और अपराधियों को पकड़ने निकल पड़ती है। इस सीरीज में वामिका गब्बी भी नजर आई है। इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। रवीना टंडन अपनी वेब सीरीज अर्नक्य में एक निडर पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आई है, जिसमें उनके अभिनय को काफी सराहना मिली थी। इसमें रवीना के किरदार का नाम कस्तूरी है, जो एक माँ होने के साथ साथ ही काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है। ऐसे में उसे अपनी जिंदगी में कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इस सीरीज का लुफ्त नेटफ्लिक्स पर उठाया जा सकता है। हुमा कुरैशी की सीरीज महारानी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है और अब इसका तीसरा सीजन 7 मार्च को सोनी लिप पर दस्तक देने वाला है। इस सीरीज की कहानी रानी भारती के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो बिहार की एक अनपढ़ महिला है और मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय करती है। इसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से प्रेरित भी कहा जाता है। सुष्मिता सेन की सीरीज आर्या भी आ चुका है। इसमें आर्या सरीन की कहानी दिखाई है, जो अपने पति की मौत का बदला लेने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर हद को पार करती है। इस सीरीज को डिज्नी हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। इसके अलावा सुष्मिता की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता श्री गौरी सावंत पर बनी सीरीज ताली भी एमएक्स प्लेयर पर मौजूद है।